हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आप सबके लिए फिर से मैं आप सबका भाई और एक वीडियो लेके हाजिर हूँ भाई इस चैनल पे। तो आज का जो वीडियो होगा बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि असम या अरुणाचल का जो जितना भी लोग है, ज्यादातर लोग मतलब डस्टर ज्यादा मतलब पसंद करते हैं। दोस्तों आज मतलब डस्टर हम लोगों का स्टॉक में आ गया है भाई। दोस्तों इसका जो मतलब इसका प्राइस कैसा है और दोस्तों कंडीशन कैसा है, वो सब आज बात करेंगे डस्टर के बारे में। इस गाड़ी का फुल रिव्यू देने वाला हूँ मैं भाई आज आप सभी को। दोस्तों प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, एंड लास्ट तक जो बने रहेगा, मुझे इतना विश्वास है कि भाई उसे गाड़ी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि गाड़ी में ऐसा कुछ बात है ही भाई, पसंद आने लगेंगे आप सभी को। दोस्तों उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज लास्ट तक बने रहिए, और दोस्तों जो मेरा चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक भी ठोक के जाना। दोस्तों चलिए अभी वीडियो देखो भाई। बाहर का लुक्स कैसा लगा आप सभी को, तो वो जरूर कमेंट में बता देना। एंड चलिए अभी भीतर का जो चीज है, मतलब भीतर में क्या क्या आपका फीचर्स है, क्या क्या भीतर का कंडीशन है, इसमें क्या क्या मिलेगा, किस क्या क्या नहीं मिलेगा, वो सब आज चलिए डस्टर का भीतर का चीज को बात करते हैं। एंड चलिए शुरू करते हैं भीतर का चीज। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है भाई बहुत ही ज्यादा एक क्यूट सा स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील में आपका क्या क्या है वो बात करते हैं। तो पहले आप सभी को देखने को मिल रहा है भाई सेफ्टी, तो मेन है। यहाँ पर आप सभी को यार बैग भी मिल जाएगा एक, तो स्टेयरिंग व्हील में ड्राइवर का तो सेफ्टी हो गया ऑलरेडी, यार बैग ऑलरेडी है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप सभी को स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आप सभी को दिख रहा है, ये हो गया आपका स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट। इसको आप ऐसे ऊपर ऐसे डाउन ऐसे आप ऐसे डाउन ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को मिल रहा है भाई, और यहाँ पर आप सभी को मिल रहा है भाई, ये हो गया आपका मीडिया, ये हो गया रेडियो, यहाँ पर ये हो गया ऊपर मतलब प्लास करने के लिए इसका जो सावन, ये हो गया माइनस, ये कॉल ब्लूटूथ कट। तो यहाँ पर आप सभी को सब मतलब यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। एंड दोस्तों आप सभी को और एक चीज़ मैं बता दूँ आप सभी को, क्योंकि इसका जो मतलब डस्टर का या नॉर्मली मतलब क्या होता है, हर एक गाड़ी का जो मतलब या अपर डिपर होता है या लाइट का जो स्विच होता है स्टेयरिंग के पास, और दोस्तों जो मतलब आपका क्या बोलते हैं वाइपर चलाने का जो स्विच होता है या मतलब वाइपर से वाटर देने वाला जो स्विच होता है, वो सब क्या होता है नॉर्मली गाड़ी में आपका लेफ्ट साइड में होता है जो वाइपर का स्विच, और राइट साइड में होता है आपका क्या होता है लाइट का और ऑल एवरीथिंग का स्विच। तो इसमें डायरेक्ट उल्टा किया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है भाई, इस तरफ दिया है लाइट का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉज कर रहे हैं तो वहां पर लाइट जलेगा, देख रहा है भाई। तो यहाँ पर दिया है आपका ये लाइट का, इस तरफ अगर राइट टर्न लोगे तो इस तरफ इंडिकेटर देना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न लोगे तो इस तरफ देना पड़ेगा। तो दोस्तों है ना कमल का चीज, फर्स्ट टाइम हम डस्टर चलाया था भाई, इस तरफ दे रहा, अरे भाई ये वाइपर चल रहा है, इस तरफ दे रहा तो लाइट जल रहा है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मतलब पहले। तो सर चलिए अभी यहाँ पर डैशबोर्ड देख लेते हैं। डैशबोर्ड में यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा को ड्राइवर पे भी एयर बैग मिल जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मूथ सा एक टच स्क्रीन मिल रहा है भाई। यहाँ पर आपका बैक कैमरा भी लगा हुआ है भाई, तो यहाँ पर ये सब आपका हो गया, ये मतलब यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा वो सब डिटेल्स, मतलब बहुत ही ज्यादा कंडीशन, अच्छा कंडीशन का म्यूजिक सिस्टम, तो ये सब तो आप सभी को मालूम ही है, एसी है, कूलर है, ये हो गया को मिल जाएगा। ये हो गया आपका साइड मिरर का कंट्रोल, अगर आप इस तरफ दोगे देन इस तरफ, अगर आप इस तरफ दोगे तो ये वाला इस तरफ मुड़ेगा, अगर इस तरफ दोगे तो ये वाला इस तरफ मुड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका ये मिरर कंट्रोल का, तो ये हो गया एयरबैग, ये हो गया गियर, इसका तो सेम गियर है,
आपका सिक्स गियर है और रिवर्स राइट साइड मतलब एक नंबर पे है। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत ही अच्छा वाला मतलब द स्टार पे क्या होता है, बहुत ही अच्छा वाला एक स्पेस मिल जाता है बाहर मतलब ये के लिए। दोस्तों यहाँ पर भी आप सभी को जो पीछे में जो पैसेंजर लोग बैठेगा उन लोगों के लिए यहाँ पर आप सभी को एसी का ऑप्शन मिल जाता है भाई। तो स्पेस जो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इसका जो बोर्ड्स है भाई, क्या मैं बताऊँ आप सभी को, क्या बताऊँ, इतना है कि भाई इसमें तो आप दो तीन लोगों को मतलब किडनैप करके लेके जा सकते हो भाई। दोस्तों ये सब तो हो गया अभी अंदर का जितना भी आपका फीचर्स था, और तो इसमें फीचर्स तो और भी रह गए भाई बता दो। यहाँ पर आप सभी को मिल रहा है दोनों चारों पावर विंडो। हाँ जी दोस्तों, फोर पावर विंडो मिलता है भाई, सेंट्रल लॉकिंग तो ऐसा कंपनी से लगा हुआ होता है ये सब। तो ये मतलब बोलने का चीज़ नहीं है, सब तो रह गया ही इस गाड़ी में, ये तो मालूम ही है मतलब, ये तो देखने को मिल ही गया होगा मतलब इंटीरियर का जितना भी। दोस्तों अभी बात करते हैं इसका मॉडल, इसका प्राइस और दोस्तों इसका जो मतलब क्या बोलते हैं रनिंग वगैरह, रनिंग तो देख ही लिया होगा 59,960 किलोमीटर ओनली। हाँ जी दोस्तों 59,960 किलोमीटर ओनली इस गाड़ी का रनिंग है दोस्तों। दोस्तों अभी चलिए इसका मॉडल बात करते हैं। इसका जो मॉडल है ये है आपका डस्टर का टॉप मॉडल, अभी फिलहाल का नहीं, आपका जो 2015-2016 मॉडल जो था पहले वो 2015-2016 मॉडल का ये एकदम सबसे टॉप मॉडल था। हाँ जी और दोस्तों इसका जो आप सभी को मतलब मिल जाएगा इंजन गेयरबॉक्स का वारंटी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका ऑनरशिप ट्रांसफर मिल जाएगा हम लोगों का बाबू मोटर की तरफ से, जो हमेशा हम लोग करके देते हैं इंजन का गियर, इंजन और गियरबॉक्स का वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब तो आप सभी को मिल जाएगा। और दोस्तों अब चलिए अभी फिलहाल लास्ट मोमेंट आ गया है, इसका जो प्राइस है वो आप सभी से शेयर करें। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है ये है ओनली 4 लैक्स। हाँ जी दोस्तों ओनली 4 लैक्स इसमें आप सभी को मतलब इतना अच्छा गाड़ी मिल रहा है भाई 4 लाख 4 लाख में 4 लाख में, ये तो आप सभी को मालूम है फिक्स नहीं है, इससे भी नेगोशिएबल होगा। एंड दोस्तों जो जो मेरा भाई है ना सब्सक्राइबर्स है उन लोगों के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑफर है भाई, उन लोगों के लिए बहुत ही कमा देगा, बहुत ही ज़्यादा लेस कर देगा। तो दोस्तों जो जो वीडियो देख के आते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके या मुझे कॉल करके आना ताकि आप सभी को ये ऑफर मिले भाई। तो दोस्तों आप सभी को तो अभी पता चल ही गया 4 लैक्स ओनली ये गाड़ी का दाम है। हाँ जी दोस्तों डस्टर का देखो भाई 4 लैक्स। एंड दोस्तों इसमें आप सभी को फीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर मिल रहा है इंक्लूडिंग इंजन गियरबॉक्स का वारंटी भी मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए अभी वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है भाई। दोस्तों वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड दोस्तों जो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड दोस्तों ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पे, तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। एंड आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छा वाला वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।